झज्जर के नए बस स्टैंड मार्ग पर स्थित राधा स्वामी कॉलोनी में सेक्टर 10 के लिए अधिग्रहित की गई वक्फ बोर्ड की जमीन को शहर के ही एक बिल्डर ने रातों रात सस्ते दामों में बेच दिया। सस्ते दामों पर बेची गई जमीन पर कब्जाधारियों ने रातों रात मकान भी बना लिए, लेकिन इसी जमीन पर बने इन मकानों पर अब धराशायी होने की तलवार लटक गई है। कारण ये कि हुड्डा विभाग ने अब इन कब्जाधारियों को बाकायदा नोटिस देकर एक सप्ताह में अपनी मलकियत का प्रमाण देने की बात कही। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि कब्जाधारियों की मलकियत का कोई सबूत नहीं मिल पाया तो फिर उनके निर्माण को जेसीबी मशीन द्वारा पूरी तरह से धराशाही कर दिया जाएगा। हुड्डा विभाग के इस फरमान के बाद अब इन कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। कब्जाधारियों ने इसे अपने ऊपर एक तरह से जुल्म की इंतहा बताई और संबंधित विभाग को चेतावनी तक दे डाली कि यदि उनके आशियाने धराशाही किए गए तो वह आत्महत्या कर मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होंगे। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। तत्कालीन हरियाणा की हुड्डा सरकार में झज्जर के राधा स्वामी सत्संग भवन के पास वाली जमीन व गांव चौंधी की कुछ जमीन को सेक्टर 10 बसाने के लिए अधिग्रहित किया गया था। जुलाई 2014 में अधिग्रहित की गई जमीन का कुछ रकबा वक्फ बोर्ड की जमीन का भी था, जो कि अधिग्रहित जमीन होने के बाद हुड्डा विभाग में चला गया। लेकिन इसी वक्फ बोर्ड की जमीन पर शहर के ही रमेश नामक बिल्डर के वक्फ बोर्ड की जमीन की लीज अपने नाम पर होने का हवाला देकर जमीन को सस्ते दामों पर लोगों को बेच दिया। इस जमीन पर बिल्डर द्वारा मौखिक रूप से कब्जा भी लोगों को दे दिया गया। बाद में जमीन पर मौखिक रूप से ही कब्जा मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने बना लिए। कई लोगों ने मकान बनाने के बाद अपनी बुनियाद भी खड़ी कर ली। अभी वो यहाँ पर मकान बनाने का सपना देख ही रहे थे कि गुरुवार को हुड्डा विभाग की तरफ से इन सभी को मलकियत साबित करने के लिए नोटिस थमा दिया गया। ये नोटिस लगाया किस बेस पर लगाया? ये इसलिए लगा कि इसको फोड़ दो, ये अवैध है। अच्छा, ये गलत तरीके से बनाया गया था। पर मेरे को ये बोला गया है कि मन्नत प्लॉटिंग काटने की परमिशन ले रखी है। किसने? रमेश ने। रमेश से खरीदा था आपने? हाँ। कितने उसमें खरीदा था? 3000 रुपये गज। 3000 रुपये गज। कितने गज में बना रखा है ये? मैंने बना रखा 70 गज। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है? राधा स्वामी कॉलोनी है। और मैं जब मेरा मकान फूटता तो मेरे गोली खाने के सवाई या फांसी खाना मेरा कोई राह नहीं। कितने टाइम पहले लिया था ये? मैंने 2 साल हो गए मतलब। अच्छा, अब इस मुद्दे पर पटवारी ने बोला कि जिस बिल्डर ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लीज अपने नाम पर बताकर सस्ते दामों पर लोगों को प्लाट दिए हैं वो गैर कानूनी है। कारण यह है कि जमीन साल 2014 में हुड्डा विभाग को रिलीज की जा चुकी है। ऐसे में इस जमीन को अभी भी वक्फ बोर्ड की जमीन बताना लोगों को एक तरह से बरगलाने के समान है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग द्वारा कब्जाधारियों को मलकियत साबित करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिए उनके मकान पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। बिल्डर को भी इस बारे में नोटिस दिया गया है। सप्ताह भर बाद यदि विभाग लोगों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद आगामी कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार। कहाँ से हो? माधोगढ़ स्टेट ऑफिस। क्या पोस्ट है? एज ए पटवारी। क्या मामला है ये? जो ये मामला ऐसा था जी, इसमें हायर अथॉरिटी के पास शिकायत गई थी जिसमें CID ने कार्रवाई करते हुए हमें तलब किया। बोले कि ऐसे ऐसे वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि एक्वायर्ड लैंड है। फिर हमने इसमें तफ्तीश की, मौके पर आ गए हमारे उच्च अधिकारियों ने मौका मुआयना किया, साथ में हमारी पूरी टीम थी। उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो उड़ा लैंड है और इसके ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट चल रही है। यहाँ के लोगों से पता चला भाई आप कैसे कर रहे हो, तो ये लोग बोले कि हमने तो फला फला आदमी से खरीदी है। हमने बोला भाई सेल डीड दिखाओ, सेल डीड इनके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसका मुआवजा उन्होंने उठा लिया है। उसको कॉन्टेक्ट किया गया, वो लोग आ नहीं रहे। वो आज आया था, बोला मैंने उससे ही डॉक्यूमेंट्स मांगे, भाई आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जिसके थ्रू आप इनको सेल आउट कर रहे हो वो प्रस्तुत करें। बोला हम आगे ही प्रस्तुत करेंगे। उसने नेगलेक्ट कर दिया उस चीज़। अच्छा, अब हम इनको टाइम दे रहे हैं 7 दिन का कि आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग अपने जो दस्तावेज हैं आपके पास जिससे आपने परचेज किया है वो संपदा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इनको एक सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। अभी नोटिस कितने नोटिस जारी करें? नोटिस अप्रोक्सीमेटली मैं आज 20 ले गया है। अच्छा, जो कि किसी ने बाई एंड रिसीव कर लिए, उनको बाई एंड दिया है और किसी का मतलब जैसे मकान बना के छोड़ दिया, नींव लगा के छोड़ रखी है, नाम मालूम, उसको नाम मालूम करके उसके ऊपर चस्पा कर दिया गया जिसकी फोटो ले ली गई। तो मकान तोड़े भी जाएंगे? बिल्कुल जी, जो भी जायज कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों का निर्णय होगा उसके बारे में जो भी है। तो ऐसे में गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब तो देखो जी, प्रशासन ने देखना चाहिए यहाँ पे जो भी इनको बैठने दे रहा है या जो बिठा रहा है गलत, इनको मिसगाइड कर रहा है वो, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई वो कर हम भी करेंगे। इन लोगों को भी करनी चाहिए क्योंकि धोखाधड़ी तो इनके साथ हुई है। प्रशासन तो अपनी जमीन किसी न किसी तरीके से इसको कर लेगा। नहीं, आप उनके विभाग से कोई बातचीत हो गया जमीन इन्होंने? ऐसा कॉम्प्रोमाइज विभाग के साथ कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी।
नहीं इन्होंने अवगत किया हो भाई? नहीं, हमारे को कोई अवगत नहीं करवाया, इन्होंने सिर्फ इतना बताया दिया कोई रमेश सैनी है जो सेल आउट कर रहा है। कहाँ का बंदा है? जज्जर का ही। सनी तुशीर के संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।